नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बोल सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग करके कम्प्लीट करके घर जा चुके होते हैं, और जब वो घर में दुकान में काम करते हैं और नए नए प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है या कभी समझ में नहीं आता, तो उसको सपोर्ट देने के लिए हर दिन सुबह लाइफ टाइम लाइव क्लास अवेलेबल रहता है। दोस्तों अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग एसएमटीसी धनबाद से करेंगे तो आपको भी हर दिन सुबह लाइव क्लास मिलेगा। चलिए देखते हैं आज का लाइव क्लास कैसा रहता है, क्या क्या बच्चे के साथ प्रॉब्लम परेशानी गिला सीख हुआ है। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। सर एक मोबाइल है चूहा ने काट दिया है, तो बैटरी कनेक्टर वाला जो पत्ता रहता है ना वो वाला। सर चूहा चूहा मोबाइल में आपका घुसने लगा जी, मोबाइल में चूहा कैसे घुस गया? मोबाइल दुकान में था, खोल के रखे थे सर। ओ खोल करके रखे थे, हमको लगा ये क्या बात है, मोबाइल भी मोबाइल में भी चूहा घुसने लगा क्या? तो क्या बैटरी कनेक्टर पूरा चूहा काट दिया है? किस तरह से काटा है? नहीं नहीं पत्ता है वो जो भेजे थे ना सर व्हाट्सएप में, हम देखे नहीं है आपका व्हाट्सएप में, थोड़ा सा देख लेते हैं, रुकिए ग्रुप में भेजे थे। और एक सेकंड ओके। एक बार हाई करो तो व्हाट्सएप पे। और किसी के पास कोई प्रॉब्लम है बताएंगे जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू दुर्गेश, बोलिए। सर कल सैमसंग का A20 फोन आया है। सर वो दुकान मतलब किसी को दिया था तो वो रिटर्न कर दिया, नहीं बनेगा बोल के। मेरे पास जब आया वो फोन वाटर डैमेज है सर, तो मेरे पास लेके आया था सर, उसको 6 पोर्ट पे लगाने तो एम्पियर ले रहा था ठीक, लगभग एक एम्पियर 1.5 एम्पियर तक जा रहा था, और चार्जिंग लोगो आता है उसके बाद फिर बाद में चार्जिंग जो प्लग करते हैं वो फिर रेड साइन करके बंद हो जाता है। ठीक है तो सर वो फोन तो चालू हो सकता है? बिल्कुल चालू होगा जी सर, तो बता दिए हैं कि चालू हो जाएगा तो रख लिया अभी। देखो तो चार्ज जब लगाते हो तो चार्जिंग का गोल्ड टाइप का दिखता होगा और वो रेड कलर में होगा, एक बार हमको व्हाट्सएप कर देना कंफर्म करने के लिए, ठीक है? इजी प्रोसेस से बता। और उसमें हम क्या क्या काम किए, पहले पावर बटन का ट्रेसिंग किए, क्योंकि पावर डीसी सप्लाई में पावर बटन प्रेस करने पर कोई हलचल नहीं था। तो सर पावर बटन में चेक किए तो वहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था, वो हमने किया था वो काम करने की कोशिश किया था, तो वहाँ पर कुछ कैपेसिटर वगैरह तोड़ा है। ठीक है तो पहले आप यदि पावर बटन के पास कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है ना, तो वो सबसे पहले उसका ट्रैक को कंफर्म करो, सही करो, ठीक है? जीआर मिल रहा है पावर बटन का पॉजिटिव में? नहीं सर जीआर भी नहीं मिल रहा है, मतलब उसका ट्रैक भी कटा हुआ है। तो पहले डायग्राम खोलो, डायग्राम से उसका ट्रैक को सही करो। वो सही करने के बाद जो प्रॉब्लम दिखा रहा है वो चार्जिंग सेक्शन का प्रॉब्लम है और वो चार्जिंग आईसी का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? पहले आई टेस्टिंग करो क्योंकि वाटर डैमेज फोन है, आई टेस्टिंग करो, देखो कहाँ पे क्या नुकसान दिख रहा है उसके अनुसार से काम करो। आपको समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है, और यदि कभी दिक्कत होगा तो मदरबोर्ड का दोनों साइड का फोटो क्लिक करके आपको सेंड करना, कहाँ क्या बता रहा नहीं बता रहा वो बताना, फिर हम आपको आगे काम करने के लिए बताएंगे। बोलिए बिट्टू। सर उसमें सर कल सर बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज आ रहा था सर, 2.75 ले रहा था सर। बैटरी कनेक्टर में 2.7 समथिंग वोल्टेज आ रहा था, बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज आना चाहिए 4.2, समझे कि नहीं, 4.2 के आसपास, थोड़ा कम ज्यादा चलेगा, 2 पॉइंट आ रही, बहुत नॉर्मल आ रहा है। दूसरी चीज हम आपको ये भी बोलते हैं कि उसका फोन का डीपीडीएम का ट्रैक भी चेक कर लेना है, डीपीडीएम का लाइन में भी वोल्टेज आना चाहिए, 0.6 से 3 वोल्टेज के बीच कुछ भी आना चाहिए। तो आप पहले बैटरी डीपीडीएम का कनेक्शन को चेक करो, और सबसे पहले यहाँ तो कम मिल रहा है, जहाँ मिलना चाहिए 4.2 वोल्टेज और 2 वोल्टेज मिल रहा है, फोन कैसे चार्ज होगा?
तो सबसे पहले आप देखो कि वोल्टेज कहाँ से कम हो रहा है, वीबस की लाइन में 5 वोल्टेज जा रहा है, वीबेट में कितने निकल रहा है उसको पहले चेक करो, तभी कंफर्मेशन होगा। मॉडल नंबर क्या है, डायग्राम यदि नहीं है तो डायग्राम व्हाट्सएप कर देते हैं, चेक कर लो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर रेडमी 6 प्रो है सर। चलो बताओ अगला किसके पास क्या प्रॉब्लम है, भेज रहे आपको दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए सर। वीवो T2X का मदरबोर्ड मिलेगा क्या? वीवो T2X का मदरबोर्ड, वीवो फोन का मदरबोर्ड अभी अवेलेबल हमारे पास में नहीं है। वीवो फोन का मदरबोर्ड ओल्ड फोन जो पुराने था वो भी बचा हुआ है, नया में कोई मदरबोर्ड नहीं है, मंगाना पड़ सकता है, मिले तो हम आपको कंफर्मेशन कर सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं है। मिलेगा भी तो कितना अमाउंट तक लगेगा सर? कितने GB रैम रोम उसमें है? 6128 है, कम से कम 4,4500 के आसपास में मिलेगा। 4,4500। हाँ ठीक है सर, ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू आनंद, बोलिए। जियो का पावर ऐसे हीट होता था, और क्या कंप्लेन है? फुल शॉट था सर, तो मतलब चार्जिंग में लगा था ना, पावर ऐसे ज्यादा हीट कर रहा था। हाँ तो सर निकाल दिए, फिर भी फुल शॉट बता ही रहा था ना, कैपेसिटर सारा फीस था सर। मतलब चार्जिंग है सॉरी पावर ऐसे को आप निकालने के बाद भी मोबाइल फुल शॉट बता रहा था, जी तो आपको देखना चाहिए था कि 320 मॉडल जो वीवेट के लाइन में जितने कंपोनेंट है ना, उसमें से कोई एक कैपेसिटर या ये कोई एक डायोड से शॉर्ट होगा। तो डायग्राम आपके पास है क्या? डायग्राम तो नहीं। ठीक है, हम आपको दे रहे हैं 320 मॉडल का स्क्रीनशॉट, ले लो, चेक करना वो कंपोनेंट को आपका ठीक हो जाएगा। मतलब पावर ऐसे से शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट जो फोन है वो आपका वी बैट के कोई कंपोनेंट से ही शॉर्ट है। ठीक है, डायग्राम में भी दिख जाएगा कौन कौन कंपोनेंट है, उसको आप चेक कर लेना, ठीक हो जाएगा। अगला किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम जी? सर एक रेडमी है जिसमें सर कभी नो सर्विस आता है और कभी सर उसका सबसे पहले ये देखना सब बोर्ड को चेंज किया हो गया, मतलब सब बोर्ड यदि डुप्लीकेट लगाए होंगे नॉर्मल तो उसमें ये केस आता है, आप सब बोर्ड को OG खरीद के लगाएंगे, मार्केट में OG भी मिलता है। ठीक है, सब बोर्ड चेंज करने के बाद ही आया था, पहले घर ही घर का ही फोन था, यूज करते थे, बढ़िया चलता था, सब बोर्ड जब से चेंज किया उसी से फिर। हाँ तो सब बोर्ड चेंज किया उसी से आ रहा ना, तो सब बोर्ड को चेंज कर दो, OG वाला लगा दो, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। रेडमी 6 प्रो था जी, रेडमी 6 प्रो जी सर। देखो और देखो, और ये रहा चार्जिंग, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। देखो ये आ रहा आपका भी बस का लाइन और ये रहा भी बैट का लाइन, स्क्रीनशॉट लो फटाफट के, ले लिए सर। उसके बाद देखो ये जा रहा है लाइन सीधे चार्जिंग आईसी में, ये रहा चार्जिंग आईसी में कर रहा है, 5 वोल्टेज इन करेगा ये कंपोनेंट होते हुए, और वोल्टेज आउट करेगा इसमें भी 5 वोल्टेज आना चाहिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। इसका पूरा का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? Yes, sir. चलो अब अपना काम को देखो कैसे क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ पे सही करो। ठीक है, अगला क्या था जी? सर क्या व्हाट्सएप में भेज दिया, व्हाट्सएप में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा रुको, जियो 320 मॉडल को फरियाने दो। 320 मॉडल में जो शॉर्टिंग बता रहा है जी, वीबैट लाइन का ट्रैक भेज रहे हैं, उसको देखो और उसको सारे को चेक करना। देखो ये आपका रहा, ये जो लाइन है ये जा रहा है, ये भी बस लाइन है, और देखो यहाँ से जो निकला, देखो ये दिख रहा है ना, ये भी बैठ है, ये खराब हो सकता है कंपोनेंट, या भाई साहब ये खराब हो सकता है, या ये खराब हो सकता है, या ये खराब हो सकता है, या ये डायोड, ये कैपेसिटर, ये डायोड, मतलब इसमें 1, 2, 3 डायोड लगा हुआ, तो डायोड या कैपेसिटर ही कोई शॉर्ट होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीन शॉट तो कैसे लेगा भाई साहब, देखो ऐसे ले तो सीओ शॉट दिखेगा इसमें, बड़ा सीओ लो।
छोटा दिख रहा है। अच्छा अब एक बार लो ना, फिर जूम कर देंगे। लो फटा के लिया, अब लो ये दिख रहा है वी बैट, फटा के लो लिया। चलो अब इधर इधर यहाँ पे देखो, ये यहाँ दिख रहा है वी बैट, दिख रहा है ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये और बैटरी कनेक्टर, फटा के लो। नहीं होगा तो बारी बारी चेक कर लेना मल्टीमीटर के द्वारा, ठीक है? ये डायोड वगैरह सही होगा सर, सब करते हैं तो पहले ये तीनों डायोड को खोल देना, खोल करके रख लेना, ठीक है? कौन डायोड कहाँ लगा था वो थोड़ा याद रखना, समझा कि नहीं? ए को खोलना फिर चेक करना, ये कोई डायोड से ही शॉर्ट होगा, हाँ ये कोई डायोड से ही शॉर्ट होगा, ठीक है? ये आज का क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं 16 अगस्त को, ठीक है? कल क्लास बंद रहेगा, ठीक है जी? थैंक यू सर। चलिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।